इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्य धरा बाबड़िया कला स्थित श्री वासु पूज्य दिगम्बर जैन मंदिर में, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीष से श्री मंजिनेन्द्र जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 27 अप्रैल से 3 मई 2023 तक चलने वाले इस भव्य महामहोत्सव के अंतर्गत आज सहभागी भक्तों को घट यात्रा एवं ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के 25वें मुनि दीक्षा दिवस को मनाने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और साक्षी बनते हैं महोत्सव के स्वर्णिम पलों के। नील गगन के तले
साधन में मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ज्ञान दीप तपुई धन में मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। के तम को हर ले नील गगन के तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले धर्म का ध्वज लहराया फैली सुख की शीतल छाया। जैन धर्म का ध्वज लहराया फैली सुख की शीतल छाया। प्रेम के पुष्प खिले नील गगन के तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले घटधारी पाते अमर पद चिर अभिकारी। जो होते मंगल घटधारी पाते अमर पद चिर अभिकारी। मोक्ष निवास मिले नील गगन के तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कल शपले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। चलेगा तत्कृदे से पुण्य पताका भक्तों को हर्षाय। धर्म की ध्वजा रही लहरा तत्कृदे से ध्वतन्य मुच्च भाषक विमानम गमनाद वृंदा निवेश लग्न शुभोपदेश मात पता को शरणम विदत्यात। पुष्प दो थोड़ी सरसों अरे
अरे उत्तर ही किया था, लहराती ये नील गगन में, लहराती ये पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहर। ओम नी मरम जिन शासन पता के सदोच्छता तिष्ठि तिष्ठेति स्वाहा। बहती रह जी धर्म की बेराग में गंगा, बहती रह जी धर्म की बेराग में गंगा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा, झंडा प्यारा झंडा प्यारा झंडा प्यारा, तीन परिक्रमा लगाए प्यारा परिक्रमा लगाइएगा झंडा प्यारा झंडा प्यारा। मंडप उद्घाटन करता आइएगा, श्री जी आ गए क्या विमान जी में से? तीनों श्री जी कहाँ है? चलेगा सामने से अलग हो जाए, तीनों श्री जी को सामने लेकर के आए, यहां जगह बनाइए आप लोग, परिवार के अलावा तीनों श्री जी कहाँ है? चलेगा सामने से अलग हो जाए, तीनों श्री जी सिर्फ मंडप उद्घाटन के बाद महाराज श्री अंदर जाएंगे, उसके बाद श्री जी जाएंगे, फिर बाकी लोगों को अंदर प्रवेश करना है। पुष्पिका चलेगा, महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं, पूज महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि पधारे, आइए महाराज श्री, सभी लोग महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि पधारे। एक मिनट आप लोग साइड हो जाएं, ध्वजारोहण के बाद में अब सलामी का कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहा है, यहां के महिला मंडल के द्वारा ध्वज की सलामी ली जा रही है, आप लोग साइड हो जाओ भैया, चलेगा ध्वजारोहण वाले भी इस तरफ आ रहे हैं, आप लोग इस तरफ आ जाओ, वहां से सलामी लेंगे तो सामने का स्थान पूरा खाली कर दो। हेलो हेलो, इसकी आवाज खोलना जरा पीछे वाले माइक की, हाँ बाकी लोग अलग उठ जाओ सलामी के लिए, जितने शर्ट पैंट वाले पीछे हो जाएं, पीछे हो जाओ जल्दी से। चलिए अर्चना जी, अर्चना जी सलामी का कार्यक्रम प्रारंभ करें, आप लोग यहां से पहले अलग करवा दो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, यहाँ सलामी होना है परेड की। भैया आप लोग पुष्पेन भैया इधर, यहाँ से घूमेंगे पूरा, यहाँ से ये पूरा घूमेंगी महिलाएं, पुजारी जी राजेश ये टेबल अलग करवा लो, यहाँ से इस सामान समेट लो फटाफट, ऐसे कर दो, आप लोग जो खड़े हुए हैं सामने शर्ट पैंट वाले, ओम ओम अंदर का बंद करें, एक माइक उनको दे दो अर्चना जी को, अर्चना जी आप लोग थोड़ा और पीछे हो जाओ, यहाँ से महाराज जी की भी परिक्रमा लगेगी, पीछे से निकलना पड़ेगा इनको। हाँ आप लोगों से विनम्र अनुरोध है मेरा, इंद्र इंद्राणियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया टेंट के अंदर हो जाएं, कृपया टेंट के अंदर हो जाएं, अभी मंडप आप सभी से निवेदन है मेरा, आप तो यहाँ से हो महाराज जी को, हाँ 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 लेकिन ये इन लोगों को पीछे करना होगा, भैया अभी फोटोग्राफी बंद कर दें अभी दो मिनट के लिए, दिप घोष आ जाओ बेटा, 1 2 3 3 3 7 3 3 7 अब किसी की आवाज नहीं आएगी, डिस्टेंस लेके खड़े हो जाएं फटाफट, अरिहंत ग्रुप सिद्ध ग्रुप साधु ग्रुप सभी लोग अपने अपने ग्रुप के सामने लीडर खड़े हुए हैं, आवाज नहीं आएगी हाथ का डिस्टेंस लेकर खड़े हो जाएं, ध्वजा सामने रहेगी, नजरें सामने रहेंगी धर्म ध्वजा की तरफ, धर्म
की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाय, धर्म की ध्वजा रही लहरा, भैया जी करा दूं सलामी करा दूं भैया जी, रही लहरा साइड तो हो जाए तो दे दूं, सारे विश्व में शान से फहरे तो के दिल विश्राम नील गगन परे सावधान लहरा परे पवन देते सलामी देगा सलामी दो बजा रही लहरा युगों युगों से ठहर रही विराजित गुरुवर के चरणों में सलामी देखा मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महामुनिराज मुनि श्री 108 सागर जी महामुनिराज मुनि श्री 108 हम सागर जी महामुनिराज एक श्री योग महाराज विवेकानंद सागर जी महाराज भैया जी अशोक ब्रह्मचारी जी के श्री सलामी दो थोड़ा सा स्थान देंगे इंद्रेंद्र में स्थान चाहे चलने के लिए यहाँ से थोड़ा सा पीछे चल चलो आचार्य ग्रुप चल ये लहरे नील गगन में लहराती नील गगन में लहराती पावन पेट दिखाए धर्म की बजा रही बजा रही लहरा
वासु पूज दिगंबर मंदिर बावड़िया कला भोपाल पंच कल्याणक बेला आई हो पंच कल्याणक बेला आई उत्सव होगा बड़ा विशाल उत्सव होगा बड़ा विशाल चलेगा हर कोई हाँ जी ओम हर छाया अविरल मंत्र की धार इस प्रकार से ध्वज की सलामी का एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। अब जयकारा गुरुदेव का जगह बनवाए यहाँ वालों के लिए महामुनिराज की महाराज की जो भी जूते चप्पल पहने हैं ऐसे अलग हो जाए चलेगा जयकारा गुरुदेव का देव के गुरु निर्दोष सागर होंगे संग चलेगा मंडप उद्घाटन गुरुओं का सानिध्य मिले आज महाराज जी को आने दो आप इधर दर्शन हो चलेगा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो शासनम हेलो हेलो आवाज करो ओम बेला आई उत्सव होगा बड़ा ओम श्री पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहा बड़ा विशाल ओम श्री पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव मंडप उद्घाटनम करोमि बोलो पंचपाणिष्ठी भगवान की आइए मुनिश्री चलेंगे उसके पीछे श्री जी को आने की व्यवस्था बनाए श्री जी को लेकर के आएंगे महाराज जी ओ भाई ऋषि चालू आगी फिर से बहार आज इस नगरी में आगी फिर से बहार आज इस नगरी में 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 आगी फिर से बहार आज इस नगरी में आगी फिर से बहार आज इस नगरी में श्री जी को ऊपर आने दें श्री जी को बाकी सभी लोग कोई भी ऊपर नहीं आएगा मंच पर जिनको बुलाया जाएगा सम्मान के साथ वही मंच पर आएंगे ओम भ्रीम सीधर्माती था इन्द्र भगवान की पांडुचना पीछे सिंहासन तिष्ठा और जो शुद्धि में है वो पीछे बैठ जाएंगे अभी श्री जी को विराजमान करके सिंहासन भी लगा दें एक एक सिंहासन लगा दें आपके आने से
देखो कितनी रौनक है, साजे बजते हैं यहाँ झूमे मैं आपके आने से, मन में कितनी रौनक है, तेरे चरणों की रज तो पाए जी महाराज की एकाया गुरुदेव का। हाँ चलेगा, सौभाग्यवती नौ सौभाग्यवती ऊपर आ जाएं मंच पर, नौ ही आना, अंदर पहुंचेंगे वेदी और याग मंडल की शुद्धि करने के लिए, अंदर रहेंगे, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठेगा, अभी पात्र लोग भी हाँ अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो हमारे सौधर्म कुबेर अंदर पहुंचना है, आप लोगों को कलश लेकर के अंदर की शुद्धि करना, पूरे पांडाल की शुद्धि होना है, बाकी घट यात्रा वाली महिलाएं अपने अपने कलश ले लीजिएगा, जल आपके पास में होगा और घूमते हुए शुद्धि करना है, पूरे पांडाल की ध्वजारोहण स्थल तक पहुंचना है, शीघ्रता से लाइन लगा लें, एक के पीछे पंक्ति पर अष्ट कुमारियों को अंदर भेज दो, अष्ट कुमारियां अंदर पहुंचो, ये सूट में क्यों आई अष्ट कुमारी, ड्रेस कहां है, पैंट शर्ट वाले टेबलों के पीछे पहुंच जाएं, जो आगे खड़े हैं हमारा अनुरोध है पैंट शर्ट वाले दर्शनार्थी पूजन की टेबल के पीछे पहुंच जाएं, आप लोग पहुंचेगा शीघ्रता के साथ, जिनके हाथ में कलश है वो अपने हाथ में कलश ले लें जल्दी से, हाँ बाकी को रैंप पर बैठा, जिनके हाथों में कलश है वो शुद्धि करने पहुंचो, सची सौधर्म इंद्राणी कुबेर इंद्राणी जो प्रमुख इंद्राणी है वे ऊपर आ जाएं शुद्धि करने के लिए, प्रमुख इंद्राणी सभी यही मंच पर शुद्धि करेंगी, सची कुबेर इंद्राणी महायक नायिका अंदर पहुंच जाए वेदी की शुद्धि करने के लिए, बाकी इनको कलश दे दो भैया, कलश दे दो पुजारी, पूजन वाले कलश दे दो, इसमें से दे दो, वो बग्गी में बैठे थे ना, प्रमुख इंद्राणियों को ऊपर आ जाने दो, जितनी भी प्रमुख इंद्राणियां हैं एक एक कलश दे दो, यहीं से दे दो, जल चंदन वाले कलश ले लो, हाँ सौधर्म कुबेर और महायक नायिका तीनों इंद्राणियां अंदर पहुंचे, बाकी इंद्राणियां यहीं रहेंगी, पुरुषों को नहीं लेना कलश, मेरा फिर एक बार अनुरोध है कुर्ता पजामा पैंट शर्ट वालों से कि आप लोग पूजन की टेबल के पीछे पहुंच जाएं, क्योंकि यहां उनको घूमना है पूरा, चालू करते हैं, चलेगा शीघ्रता के साथ में, पूरे पांडाल की शुद्धि आपके लिए करना है, आप घूमते जाएंगे और आपके कलशों में जो जल है आप हाथ में लेकर के अथवा नारियल जैसे भी बनेगा आप पूरे पांडाल में जल के छींटे देंगे, शीघ्रता के साथ में पांडाल की शुद्धि करने के बाद, एक बार हम अनुरोध करना चाहेंगे जो भी कार्यकर्ता हैं सेवा दल के जो साथी हैं हमारे थोड़े से बासोदा वाले दो चार लड़के घूम लो, हाँ शुद्धि करने के पहले पूरे पांडाल में देख लें कहीं जूते चप्पल तो नजर नहीं आ रहे हैं अंदर, अगर हैं तो उन्हें बाहर करवा दें, पूरे पांडाल में पीछे भी एक बार दो चार लड़के चले जाओ फास्ट जल्दी से पूरे आप लोग बैठ जाओ, दुपट्टे वाले ऊपर ले लो, प्रमुख पात्रों को ऊपर बैठा लो, यहाँ जो भी खड़े हैं ये, हाँ ये सब लोग ऊपर आ जाओ जो इंद्र हैं प्रमुख पात्र, इधर आकर के स्थान कर लो, रैंप खाली कर दो, हम शुद्धि का ये कार्यक्रम सुश्री अर्चना जी जैन महामंत्री महिला संगठन गंजवासोदा जिन्होंने परेड की इतनी अच्छी तैयारी करवाई है वे यहां पर आ जाएं, महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें, ग्रुप वाले जितने भी हैं जिनके हाथों में कलश है वे सभी अंदर आ जाओ, फोटो के चक्कर में नहीं रहे अंदर आ जाएं, ग्रुप वाले सभी हाँ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों ग्रुप की महिलाएं अंदर आ जाएं, चलेगा हाँ जल आपके यहाँ बैठ जाओ, ये प्रमुख पात्र जो खड़े हैं बैठो ना, खड़े क्यों महेंद्र बिठाओ उनको, बिठाओ बिठाओ ना, कहीं खड़े करें, हाँ चलेगा, आप लोगों को यहाँ नीचे शुद्धि करना है पूरी, ग्रुप वाली पूरे नीचे शुद्धि करेंगे इस तरफ उस तरफ और पांडाल में, इसके पीछे भी जाना है आपको, चलेगा प्रारंभ कर रहे हैं हम, ओम रीम इंद्र कलसे ने पंच कल्याणक स्थल वेदिका याग मंडल ध्वज हवन कुंड शुद्धिम करोमीति, सबको स्वाहा बोलना जोर से, जल जल क्षेपण करना थोड़ा थोड़ा सा, पूरे में घूमना है इधर भी और फिर रैंप पर जाकर के वापिस, नारियल से कर दो हाथ में लेके कर दो थोड़ा थोड़ा जल, 81 मंत्र है एक बार में खाली नहीं करना, 81 देखो सारे लोग यहीं आ गए पंडाल में, वहां ओम रीम हाँ यहाँ से घूम जाओ, वहीं से जगह है वहां घूमने, यहाँ से घूमो रास्ता बंद है वहां से, रैंप के ऊपर से आओ,
ओम रीम अग्नि यम नैरत वरुण कल से ने पंच कल्याण मंडप मंडल उपन्याना आप लोगों को उपन्याना है नीचे ही करना है आप लोगों को पंच कल्याण स्थल। हाँ जी अर्चना जी जिन्होंने ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आज की है परेड की वो श्रीफल चढ़ा करके मंगल आशीष ग्रहण कर रही है। पंचकल्याणक स्थल पंचकल्याणक मंडल हवन कुंड वेदी शुद्धिम करोमिति ओम रीम पवन कुबेर ईशान कारण मत मरकत मणि कलसेन है। पंचकल्याणक मंडप मंडल याग मंडल यज्ञ वेदी हवन कुंड शुद्धिम करोमिति कनक अष्टपद महारथ आनंद नंद विजय कलसेन है। पंचकल्याणक मंडप याग मंडल वेदी हवन कुंड शुद्धिम करोमिति जो भी अंदर पुजारी हैं हवन कुंड आदि की भी शुद्धि करवाएंगे। ओम रीम अजित अपराजित सतानंद स्नानंद कुंद मल्लिका चंपक कदम्ब मंदार कलसे ने पंच कल्याणक मंडप याग मंडल वेदी हवन कुंड शुद्धिम करोमिति। ओम रीम पारिजात संतान हरिचंदन कल्पृक जपा विशाल भद्रकुंभ पूर्ण कुंभ जयंत कलसे ने पंच कल्याणक मंडप याग मंडल वेदी हवन कुंड शुद्धिम करोमिति। ओम रीम वैजयंत चंद्र सूर्य लोकालोक त्रिकूट उदयाचल हिमाचल निषद माल्यवत कलसे ने पंच कल्याणक मंडप मंडल याग मंडल वेदिका हवन कुंड श्रुत यज्ञ वेदी शुद्धिम करोमिति। ओम रीम सत्पात्र गंधमादन सुदर्शन कलसे ने पंच कल्याणक मंडप स्थल याग मंडल वेदिका हवन कुंड श्रुत वेदी यज्ञ वेदी शुद्धिम करोमिति। ओम रीम कोक राजहंस हरित मृगेंद्र कोकनद काल पद्म महाकाल सर्वरत्न कलसे ने पंच कल्याणक स्थल मंडप मंडल वेदी हवन कुंड श्रुत यज्ञ वेदी शुद्धिम करोमिति। ओम रीम पांडु नैसर्प मानव शंख निधि पिंगल पुष्करावर्त मकर ध्वज ब्रह्म सुवर्ण कलसे ने पंच कल्याणक स्थल मंडप याग मंडल वेदिका हवन कुंड श्रुत यज्ञ वेदी शुद्धिम करोमिति। ओम रीम इंद्रनील अशोक पुष्पदंत कुमुद दर्शन ज्ञान चारित्र कलसे ने पंच कल्याणक स्थल मंडप मंडल वेदिका हवन कुंड शुद्धिम करोमिति। चलेगा आप लोग अपने अपने कलश अपने पास में रख लीजिएगा। इन कलशों का उपयोग हम एक बार पुनः करेंगे जब मंदिर जी की शुद्धि करने के लिए जाएंगे तो 29 तारीख को हम पुनः यहाँ से एक जुलूस लेकर के चलेंगे आपके जो नवीन जिनाला है उसकी शुद्धि करने के लिए। तब तक आपको ये कलश अपने सुरक्षित रखना है। पीछे संजय पंडित जी पीछे पहुंचे काड़े आदि से वेदी की शुद्धि करवाएं हवन कुंड आदि की संपूर्ण शुद्धि आदि की क्रियाएं वहां पर प्रमुख इंद्राणियों से और सौभाग्यवती महिलाओं से संपन्न करवाएंगे। आइएगा हम श्री जी का मंगल अभिषेक यहाँ पर संपन्न करते हैं। धोती दुपट्टे बदल करके आ गए क्या आप लोग? तो शुद्धि में है क्या पक्का? चले चल ले लो एक बार चल लीजिएगा फिर से शुद्धि कर लें। हाथ धो लीजिएगा श्री जी के ऊपर जल के छींटे ना जाएं। ओम रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालनम करोमि। ओम रीम अमृते अमृतोद्भवी अमृत वश्यम तम श्राव श्राव सम सम किलिम किलिम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव सम हम झीम हम सहा स्वाहा। चंदन लगा लीजिएगा। हाँ जी नहीं आप लोगों को बाहर बैठना बैरिकेटिंग के बाहर लाइन लगा करके जो भी हमारे परेड वाली महिलाएं हैं पांचों ग्रुप पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाएं बैरिकेटिंग के बाहर। इसको सही करो बाबू माइक और ये मॉनिटर इधर करो मेरे सामने मेरे पास तो आवाज नहीं है। हेलो हेलो चलेगा। हाँ जी श्रीमन्ने तामर से रस्त रत्न दीप्ति तो या बवासी चरणाम्बुज नमीशन अर्हत मन्नत पद प्रदमाभिनम्य पद्मोति शुद्ध अभिषेक विधेम करिष्ये। अत पौराणिक अभिषेक क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्रीमत पंच महागुरु भक्ति कायु सर्गम करुम्यम। मॉनिटर इधर करो और सेट करो। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप कर लीजिए सभी लोग नौ बार नमोकार मंत्र का जाप करें। पीछे वाले मॉनिटर लगा दे तो
चलिए पुष्प लीजिए। हो या कृतिमास्तदितरा प्रतिमा जिनस्य संस्थापयन्ते पुरोहित मुखादयस्ता सदा विलति समयादि निमिति योग प्रतिबे मुज्वलिया कुसुगम छिपामि इति अभिषेक प्रतिज्ञाई पर पुष्पांजलिम छिपामि। श्रीकार लिखे श्रीपीठ क्लब्धे विष्णोक्षतोगे त्रिपस्तरे पूर्ण शशांक कल्पये श्रीवर्तिके चन्द्रमसी सिंहासने वीरांता जन्मा विष्णुचरिता स्थाभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवे श्री जी के चरणों का स्पर्श करें। ओ जीजी भाई, जीजी विदिशा वाली जीजी, थोड़ा सा महाराज जी नहीं दिख रहे सब हैं। नीचे आ जाओ। तो दीपक आप तैयार नीचे बैठ के कर लो, फिर हम बुलाएंगे। ओम ऋषि धर्मतीताय नत भगवन्य पांडुशला पीठे सिंहासन तिष्ठ तिष्ठ। चलिए चार कोनों पर चार कलशों की स्थापना। शीतेथ कृष्ण पनवर्य विधो सुरेन्द्र क्षीराभिवार भय पोरय दुध कुंभार साध कुंभ कुंभ गाम क्षीरस्तोद पूरितान स्थापयामि जिन स्नान चंदनादि सुचर्चितान। ओम रिम स्वस्ति परिपूरि चतुकोणि चतुकलश स्थापनम करोमि। एक वॉलेंटियर यहाँ एक टेबल लगा दे, जो अनावश्यक लोग ऊपर आ रहे हैं तो नहीं आए। भैया माइक सेट करें, बार बार सीटी मार रहे हैं। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गाने पादे त्रिपुर जय शब्द कल प्रशस्ते मन जगति पति कीर्ति में पीठस्थल सुविधा जनयो लसामी। ओम रीम विष्णुपन पीठ सिद्धि समजिनेन्द्राय अर्घम नर्भपामीति। हाँ, जिन्होंने 1,11,000 1,11,000 के तीन हमारे प्रमुख पात्र हैं, वो एक एक श्री जी पर पहले अभिषेक करेंगे, उसके बाद सभी लोग अभिषेक करेंगे। कर्म प्रबंधन गापी भक्ति वशता परमादि देव लीजिए करस लिए। ओम, आप लोग हाथों का उपयोग करिए। ओम रीम श्रीम क्लीम मैं मरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम जम जम रीम रीम चीम चीम राम राम प्रीम प्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्धे भगवते श्रीमती पवित्र जले ने जन्म सिंचा स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नैरे शेरवाधिक रूपकै स्थाप्यामि सुजनांता जीनां सर्व सिद्धिनां। ओम रीम श्री विश्वादि वीरांताजलि कृष्णप्याम ओम रीम श्री विश्वादि वीरांताजलि कृष्णप्याम ओम रीम श्री विश्वादि वीरांताजलि कृष्णप्याम। चलिए अर्घ ले लीजिए अपने हाथों में। पानीय चंदन सदा क्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधोप फल ब्रजेन ओम रीम से विषयकांत विश्वादि वीरांतेभ्यो दिव्य अर्घम द्रवपामती स्वाहा। चलेगा। हाँ, आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज दिवस है, प्रारंभ दिवस है, और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हमने इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के ध्वजारोहण को तो संपन्न किया ही किया है, साथ में जिनकी चरण सन्निधि में हम सभी लोग यहाँ पर यह मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज जी का आज 25वां रजत दीक्षा वर्ष महोत्सव है, उसका मांगलिक कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम इसका हम दोपहर को 2 बजे से यहाँ पर संपन्न करेंगे, लेकिन प्रातःकालीन मंगल वेला में आज गुरु पुष्य अमृत योग का पावन सौभाग्य यह आप सभी के बीच में है, और हम मात्र एक एक मिनट के अंदर तीनों श्री जी की शांति धारा का सौभाग्य पुण्यार्जन कौन करेंगे आज प्रथम दिवस। आइएगा शीघ्रता के साथ, आज के प्रथम शांति धारा गुरु मुख से करने का मंगलमय सौभाग्य। आदिनाथ भगवान चंद्र प्रभु भगवान
और श्री महावीर भगवान के पावन मस्तकों पर ही शांति धारा। चलिए बोली प्रारंभ करते हैं ऋषि भाई। शुरुर 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 शुरु कहाँ से करे हम बोल शुरु, शुरुर 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 शुरु कहाँ से करे हम बोल शुरु। हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ किया जाए आज के प्रथम शांति धारा? हाँ जी, 11 से चालू करो, 11 से 21,221 21। बढ़ती है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, बोली बोलो बोली बोलो, बढ़ती है बोली बढ़ाने वाला चाहिए। बच्चों में दीक्षा दिवस का अवसर है आपके हाथों में, 21,221 एक बार, 21,221 दो बार। बाहर से आए हुए हैं वे भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, महिला वर्ग भी अपनी ओर से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनके माध्यम से आप शांति धारा संपन्न करवा सकते हैं, सकते हैं। आप में से कोई भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, चलेगा? हाँ जी, 21,221 और 21,221 रुपए। और किसी का भाव? हाँ जी, और किसी का भाव? चलेगा। रजत दीक्षा महोत्सव वर्ष 25 वर्ष 25,525 जोरदार ताली के साथ। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कली दान जरा सा, कली दान जरा सा। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कली दान जरा सा। आज की पहली शांति आरा मंगलाचरण और मुहूर्त की शांति धारा है। हाँ जी, और सौभाग्य आपके हाथों में हमारा श्री के दीक्षा दिवस पर आइएगा। 25,525 पे 25,525 एक बार। कितना कह रहा है? 51 41 51 41 31 कितने? 31 331। हमें पांचों उंगलियां दिखाई दे रही थी इतनी दूर से। ओ बड़ी बड़ी फिर बोली बड़ी शांति धारा की, बोली बड़ी ओ बड़ी बड़ी फिर बोली बड़ी शांति धारा की, बोली बड़ी। 31,331 रुपया 31,331 पे एक पहली शांति धारा के लिए, 31,331 पे दो, 31,331 पे ढाई, 33,99 35,535 35,335 पीछे वाले क्या कहते हैं? आगरा वाले चलेगा शीघ्रता के साथ में। ये इस पंचकल्याण के मुहूर्त की शांति धारा है, मंगलाचरण की शांति धारा है, इसलिए शीघ्रता से अपना मन बनाए। कार्यकर्ता शीघ्रता से देख लें, उस तरफ भी देखेगा। 35,535 पे 35,535 रुपए दो, 35,535 रुपए ढाई, 33,99 और 35,535 रुपए एक दो एक दो। किसका ही पुण्य भला जो आज शांति धारा करेगा, किसका ही पुण्य भला जो आज शांति धारा करेगा। हाजी, 35,535 और किसी के भाव शांति धारा करने के जिन प्रभु के महामस्तक पर महामंगल में शांति धारा भावना बनाइए। ठीक ठीक चलेगा। हाँ, जब तक हम शांति आ रहा, अरे रे मौका तो आज है, कल परसों में क्या करोगे? चलिए 35,535 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, 33,99 और तीन बार। आइए नाम दीजिए। कैलाश जी, बबीता जी, पाटनी, समस्त पाटनी परिवार जल्दी से वस्त्र बदल करके पहुंचे। आपके परिवार से जो भी है वो आ जाए, पीछे वस्त्र उपलब्ध हैं। कैलाश भैया जल्दी पहुंचे पीछे। चलिए दूसरी शांति आरा वाले, 31 वाले कहाँ है? दूसरी शांति आरा पूछ लो उन्हीं के, भैया तीन कर दें उन्हीं के, पूछ लो पीछे वालों के। हाँ, 31 वाले पीछे वाले आ जाए, जल्दी से आ जाए। पहली शांति आरा हो गया, पाटनी जी परिवार पहुंचे कपड़े बदलने। दूसरी शांति आरा वाले क्या हुआ? एक जन आ जाओ, कोई भी कपड़े बदल करके शीघ्रता से चलेगा। चलिए द्वितीय शांति धारा 21,221। आगरा वाले क्या कह रहे हैं? मना कर, चलिए 21,221 रुपया। दूसरी शांति धारा के लिए 21,221 रुपये एक, 21,221 रुपया दो। द्वितीय शांति धारा के लिए तीन श्री जी आज चूंकि विराजमान है, इसलिए तीन शांति धारा हमें यहाँ पर संपन्न करेंगे। झाड़ी बुलवा लो, मंदिर से बुलवाओ ना जी। क्या सोचता है मैं, क्या सवाल करता है, ये दान तो सभी का कल्याण करता है। क्या सोचता है मैं, शांति धारा 21,221 एक बार में बोली छोड़ना, और किसी का भाव हो तो दो बार, ढाई बार, 33,99 बार और 21,221 रुपए।
तीन बार अंशुल टीकमगढ़, अंशुल टीकमगढ़ जल्दी से आ जाए। द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे अनुष्ठान के सोम इंद्र सोम राजा आदरणीय श्रीमान राजेंद्र भाई साहब, जोरदार ताली के साथ में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ले ले। ये श्रीफल चलिए। तृतीय और अंतिम शांति धारा कहां से चालू कर, तृतीय और अंतिम शांति धारा का सौभाग्य, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ ना इसका। 11111 हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से है 11, तो यहाँ से है। अच्छा वहीं से उन्हीं की है क्या? हाँ उन्हीं की है। 13313 कुछ भी नहीं है मेरा। चलेगा शीघ्रता के साथ में तीसरी शांति धारा के लिए 11111 13313 रुपया शांति धारा प्रभु की जो 15515 शीघ्रता करेंगे समय बचाएंगे। 15515 1 15515 2 ग्यारह वाले 13 वाले सोचे शीघ्रता से। 21221 21 का काम करते हैं भोपाल वाले, 20 का काम नहीं करते। हाँ 21221 13 वालों से पूछ लो। मंदिर से शांति धारा की दोनों झाड़ी और बुलवाओ, यहाँ पर दो हैं। 21221 एक बार, 21221 रुपए दो बार, ढाई बार, 2.5 बार, 99 बार और किसी का भाव, और 21221 रुपए 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त के श्रीमान जो पुजारी जी हैं उनको फोन कर दो। श्रीमान रविंद्र जी जैन, श्रीमती भारती जैन, कटनी वाला परिवार आशीर्वाद ले महर्षि के चरणों में पहुंचे। जब तक शांति धारा हम यहाँ प्रारंभ करेंगे उसके पूर्व हम यहाँ पर संजीव जी गोधा जी वो शांति धारा के लिए पार्टी जी के साथ में आ जाएंगे। चलिए संजीव जी गोधा और राजकुमार भाई सब चलिए शांति धारा के लिए आ जाएंगे पार्टनर जी के साथ में। हाँ जब तक शांति धारा की व्यवस्था बन रही है तब तक हम चित्र अनावरण के लिए कर रहे चित्र अनावरण तो करवा दे पहले। चित्र अनावरण के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं आगरा से राजेश जी सेठी, अनिल जी जैन LIC और विद्यासागर नवयुवक मंडल राहुल नगर आगरा के सभी साथी, हम उन सबके लिए यहाँ पर बहुत सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें, बड़े बाबा और आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण करेंगे। आइएगा रैंप के ऊपर से आ जाएं। और आगरा से आए हुए सभी साथी उनके साथ में राजेश जी सेठी, अनिल जी LIC और विद्यासागर नवयुवक मंडल और इसके अलावा भी आगरा से जो भी सदस्यगण आए हुए हैं वे पधारे। किसको चित्र फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पर लिखा के साथ में चित्र अनावरण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं विदिशा से, आस्था गंजवासोदा गढ़ा कोटा से, जो भी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं वो आगरा वालों के साथ में ही पहुंचेंगे चित्र अनावरण के लिए। इसके बाद हमारे जितने भी विशेष पात्र हैं वे दीप प्रज्वलन के लिए तैयार रहेंगे। हो कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये तस्वीर है ये गुरुदेव है, ये तस्वीर है ये गुरुदेव है। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। सभी मीठी मीठी तालियां बजाएं दोनों हाथ अपने खोलते हुए। चलिए कुंडल भर के बड़े बाबा की के लिए जो भी और बाहर से बंडा से या जिन जिन शहरों से आए हुए हैं वे लोग भी अपनी सहभागिता दें चित्र अनावरण के लिए पहुंचेंगे। कि मेरे संग तू तो डर क्या, तो डर क्या, चलना है तेरे कदमों के साए साए, फिर जिन राई गुरु राई मेरे गुरु राई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए और मैं दीप प्रज्वलन के लिए आवाज दे रहा हूँ, सभी लोग आ जाएं नीचे पुनः। चलिए आप सभी लोग नीचे पधारें अपना स्थान ग्रहण करें और सभी प्रमुख पात्रों के लिए हम आवाज दे रहे हैं। सौधर्म से लेकर के सभी प्रमुख पात्र
इंद्र इंद्र पहुंचेंगे चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। इंद्र इंद्रों को पहुंचना है, सर्वस्त इंद्र पहुंच जाएं। जिनके लिए शांतिहारा करना है वे नहीं जाएंगे, वो शुद्धि बनाकर रखें अपने। अभी पहुंचे दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे, सौधर्म पहुंच जाए, कुबेर पहुंच जाए, महायज्ञ नायक ईशान सनत कुमार आदि जितने भी पात्र हैं शीघ्रता के साथ पहुंचे। चलो ऋषि जब जब जले ज्ञान का दिया और जले उठा ज्ञान का दिया जगमगाया जहां जगमगाया जहां जगमगाया जहां जगमगाया जहां जब जब जले शीघ्रता से अपनी जगह पर वापस आ जाएं और दोनों शांतिहारा की झाड़ी अभी जो है तीनों पात्र उसी में अभी चालू करें, जब तक तीसरी आएगी तो फिर अलग से दे दी जाएगी। हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में बैठ जा रहे हो तो प्रमुख पात्र आ जाएं, शीघ्रता से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, वहीं पर दीप प्रज्वलन करके अभी जिसको जहां जगह मिल रही बैठ जाए, फिर सभी का निर्धारित क्रम झारी ले लें भैया। आज बोलो देवादि देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक देवादि देवी 1008 श्री वासपूज भगवान की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आज का ये पावन शुभ अवसर देखिए के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महो महोत्सव की ऐसी वैसाख की इस सप्तमी के दिन, जहां आज के दिन जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो उस समय लोगों को पसीना बह रहा था, क्या हो रहा था, और यहां के महोत्सव को देखते हुए प्रकृति भी अपने साथ दे रही है और घटयात्रा के पहले घटयात्रा हो गई, स्थल शुद्धि हो गई और पहले से। स्थल शुद्धि पूरी अच्छे से शुद्धियों को यहाँ पर करते हुए आज अपन ने यहाँ ध्वजारोहण का कार्य किया है और ध्वजारोहण का संकेत कह रहा है कि ये कार्यक्रम तो ऐसा नहीं कोई सामान्य होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर पूरी की पूरी ध्वजा का संकेत हम सबको बता रहा है कि कार्यक्रम उत्तर जिसका कोई उत्तर ना हो ऐसा अद्भुत होने वाला है। पूज्य आचार्य भगवान का प्रातःकाल पूज्य आचार्य भगवान के कार्यक्रम का बहुत सारा आशीर्वाद आया है यहाँ के लिए, और आज हमने अपना दीक्षा दिवस की इस पावन वेल पर गुरु चरणों में हम सब महाराजों ने जाकर के चरणारविंद में नमोस्तु अर्पित किया, और वहाँ से पूज्य आचार्य भगवान वहाँ बैठे बैठे आप लोगों को कार्यक्रम का बहुत सारा आशीर्वाद अपन को आया है, और हम सब यही भावना भाएंगे कि गुरु महाराज दूर होकर के हमारे पास रहेंगे और हम गुरु महाराज के पास दूर होकर के उनके पास रहने का प्रयास करेंगे। आज ये ध्वजारोहण के साथ हम सब ने इस कार्यक्रम का मंगलाचरण किया है। चलो करते हैं भगवान की शांति धारा, जितने भी हमारे शांति धारा पुण्यार्जक हैं साथ साथ जो भी उनके साथ में अपने जिन्होंने प्रतिमा को जुलूस में लेकर के आए हैं वो पुण्यार्जक भी उनके साथ हाथ लगा करके शांति धारा करेंगे, और शांति धारा का इस महामहोत्सव के साथ हम सब ने घट यात्रा की भव्य जुलूस के साथ यहाँ पर आज का ये कार्यक्रम हुआ। मध्यान्ह काल में पूज्य आचार्य भगवान के महापूजन के साथ दीक्षा दिवस का ये आयोजन यहाँ पर आयोजित अपन करेंगे। अभी इतना करते हुए सबसे पहले भगवान की शांति धारा, सभी लोग तैयार हो गए, जल्दी पहुँचाओ भाई,
एक और शांतियारे के नाम जिनके पास डायरी यहां दे दो कि देखिए कार्यक्रम को जब भी हम को संयोजित करते हैं कार्यक्रम की तैयारियां हम करते हैं तो कार्यकर्ताओं के अन में कभी कभार एक भावना होती है कि हमारा कार्य कैसे संपादित होगा कैसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले घट यात्रा करने का उद्देश्य यही है कि हमारे अंतरंग में किसी प्रकार की कोई कसाय भाव के संबंध नहीं रखना। हमारे लिए बन सके तो जितना बन सके कितने भी हो कोई कितना कहे भला कहे या बुरा कहे कोई कैसा भी कहे पर हमारे अंदर विचार बुरे नहीं आना चाहिए। यही हमारा इस कार्यक्रम इस महोत्सव का उद्देश्य होना चाहिए और हम सब ऐसे ही उद्देश्य के साथ इस महोत्सव की सफलता के लिए एक संकल्प के साथ हम सब चलेंगे। ये 5-6 दिन आपकी विशुद्धि और शुद्धि के लिए सबसे पहले कोई भी धार्मिक आयोजन होता है मात्र इन साधनों से नहीं आदमी के मानसिक सबसे बड़ी विशुद्धि का मूल कारण हुआ करता है। हमें ऐसी मानसिक विशुद्धि बनाए रखना है हमारे लिए अपने लिए हम सबके लिए। सबसे पहले जितने भी हमारे प्रमुख पात्र हैं उनको बड़े बाबा की जाप का अनुष्ठान हमने जिस दिन पात्र चयन होते उसी दिन कह के गए थे कि जाप अनुष्ठान आपका चालू रखना है। पूज्य आचार्य भगवान का स्मरण हम सबको उनकी जाप चालू रखना है साथ साथ यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस आयोजन में आप सब लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई रागव देश आदि की क्रियाएं कसायों की क्रियाएं हमें नहीं रखना है अर्थात घट यात्रा आपका कह रहा है कि अपना हृदय का घट अच्छा होना चाहिए और फिर हृदय घट से हमने घट यात्रा की श्री जी को लाए हैं ध्वजारोहण हो चुका है अब अभी आप लोगों की इंद्र प्रतिष्ठा आदि का कार्य भी होना है। आगे का कार्य अभी पहले शांति धारा करें उसके बाद फिर आगे अभी प्रवचन वगैरह और महाराज लोगों के भी आप लोगों को होंगे। अभी शांति धारा आ गए सब आ गए आप करते हैं अब लेट इतना ज्यादा है आपको ज्यादा लेट इंतजार नहीं कर सकते। तीनों शांति धारा वाले उसी तरफ खड़े और जितने भी हैं उनके पुण्यार्जक जो भी हैं सभी कलश लेकर के उनके जिनकी बोली है उनके हाथ में कलश दे दो और जो लेकर के आए थे वो उनके साथ हाथ लगा करके खड़े होंगे उनको मुकुट लगा दो। जिनने शांति धारा की बोली ली है उनको मुकुट लगा दो और साथ में जो भगवान जी को लेकर के आए थे वो भगवान जी को वहीं पर उनके साथ हाथ लगा करके खड़े होंगे। बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ चंद्रप्र महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पं वं हंसं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं थीं थीं द्रां द्रां दीं दीं द्रव द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों वं पापं खंडि खंडि जय 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 दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हन् झं झीं सीं हंसं झं बं बं हृवा पाहा छां छीं छूं छै छै छौ छौ छं छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रौ ह्रों ह्रं रहा द्रां दीं द्राव दव नवरते भगवते श्रीमते। ठाठास्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वासलावार्तम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर विसंगस्य स्वासलावार्तम समस्त शांति धारकर्ता परिवार से समस्त उपस्थित भवजना श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा।
अस्माकं समस्ते कार्य सिद्धार्थं पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमदारद सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य सपर शिषक वर्गा पिशी दंतुना ओम भीम श्री विश्वादा श्री प्रतिमान प्रति चतुर्विशतुरहृत भक्ता सर्वज्ञ प्रमंगल नाम धेया। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाज से मूत्रम च सिद्धम तन्वंतु सद्धर्म कार्य से मूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु ना। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पास्तितंकर श्रीमद्रत्नतय रूपा द्रवितोजमूर्ते प्रभा मंडल वनिताय द्वादशगण सहितानंद चतुर्थ सहिता समुसन केवल लक्ष्मी सोपताय अष्टादशोत्तरता षट्चत्वर सत्संगताय परवेष्टि पवित्र सम्यक ज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे सर्वनाशनाय घातिकरम शंकराचार्य अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज से स्वास्थ्य लाभार्थम दीर्घायुषार्थम समस्त निर्यापक श्रमणानाम से पूज्य मुनिवर श्री अजय सागर जी महाराज से पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज से पूज्य मुनिवर श्री निर्लोभ सागर जी महाराज से पूज्य मुनिवर श्री निरुपम सागर जी महामुनिराज से पूज्य एलक श्री दया सागर जी पूरे एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज से स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त त्यागी वृत्तिगणानाम अपि स्वास्थ्य लाभार्थम प्रथम शांतिधारक कर्तृणाम परिवार से श्री कैलाश जी पाटनी श्रीमती बबीता जी पाटनी सपरिवार श्रीमती पद्माजी जैन सपरिवार से द्वितीय शांतिधारक कर्तृणाम परिवार श्री राजेंद्र जी जैन नीलम जैन समस्त परिवार से तृतीय शांतिधारक कर्तृणाम श्री परिवार से श्री रविंद्र कुमार जी श्रीमती भारती जैन समस्त कटनी वाला परिवार से उपस्थित समस्त इंद्र इंद्राणी उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका नाम चाहे सर्वेशम व्याधिं दिनन्तो जनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोगशोकभयपीडाविनाशनं भवतु। ओम नमो रते भक्त प्रक्षीण शेष दोष कलम साध दिव्यतेजोमूर्ते श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्नपनाशाय सर्वोगपमृत्युविनाशाय सर्पर्कछिद्रोपद्रवविनाशाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम रीम रौ रौरा कशियाउसाय नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि प्रतिकामं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि अग्नि वायु भयं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्व शत्रु विघ्नं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्व उपसर्गं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्व विघ्नं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्व राज भयं छिन्छिन्दि बिन्दि बिन्दि सर्व चोर दुष्ट अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांतिधार कर्ता समस्त चतुर्विध संगत से समस्त उपस्थित भव जना सुकर जन जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानर विनानार्थ योग निकर दोषान सर्व अष्ट कुल नाग जनित विश्वयान सर्व स्थावर जंगम विषयक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा प्रधान कर दोषान पर शत्रु के मारण चरण विस्मरण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीं अस्माभ्यं समस्त शांतिदार कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव चक्र विक्रम सत्य जबल स्वर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम गुरु जनानंदनम गुरु गुरु गौ भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम च गुरु सर्व राजानंदनम सर्व ज्ञान भट खेरकर भट मंडप पत्रन दौड़ मुख संभायनंदनम संभायनंदनम गुरु गुरु यस्य कम ते लोके सुव्याधि व्यसन वर्तम एवं च मार्ग सस्तिरस्तु विदिते
श्री शांतिरस्तो सदास्तु शिवमस्तो सदास्तु जयस्तो सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तो सदास्तु अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वासलावार्तम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विसंग से बोलो जुवर पूज्यवर मुनिश्री अजय सागर जी निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी एलक्स हृदय सागर जी विवेकानंद सागर जी महाराज से स्वास्थ्य लाभार्थम शांति आरा करती राम परिवार से अक्षय जैन सुविद जैन विवाह दिवा जैन प्रभात जैन बैंक ऑफ इंडिया राहुल जैन सोनल जैन कैलाशी पाटनी श्रीमती बबीता जी पाटनी श्री राजेंद्र जी नीलम जी जैन परिवार से श्री रविंद्र जी श्रीमती भारती जैन कटनी परिवार से समस्त इंद्र इंद्राणी उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका नाम चे समस्त उपस्थित भक्तजना पुष्टि रस्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु दीर्घायु रस्तु सदास्तु कुलगोत्रम दंदानम सदा संतो सदास्तु श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य श्री वृद्धि रस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यं रमस्य अवसनाद विद्ये नवरंतरणम सर्व शांतिम कुरु करो आयुर्वल्यं विलासं सकल सुखफलं दीर्घत्वा स्वल्पनल्पम् धीरम वीरम शरीरम निरपमुपनेतनु तुच्छुत्ति कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समिद्धिम प्रतीति तरणे स्फ्रेदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम पितृत्व जगता मुत्तमाम शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र चलेगा कलश रखिएगा शीघ्रता से छत लीजिएगा बाकी लोग भी खड़े हो जाएं भगवान के पावन मस्तक को बड़ी छत्र समर्पित करने के लिए छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत उच्च स्थितम स्थगित भानु कर प्रताप कापल कर जा परमेश्वर प्रात्याहार मध्य चतुष्टी चामर प्रात्याहार्यम स्थापयामी जिन्होंने अभिषेक शांतिहारा की है वे लोग ही अर्घ लेंगे बाकी लोग नीचे की थालियां अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वहां इंद्र प्रतिष्ठा नीचे वालों को अर्घ नहीं चढ़ाना जिनने अभिषेक किया उनको ही मुझे मालूम था इसलिए मैंने पहले ही मना किया है पानी चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेना कर्माष्टक प्रतनिवीर मनन्ति शैनिम संपूजयामि मे सामने शांति धारा प्रेम से विश्वादि विराम दिव्य अभिषेकान्ते शांति धाराम कृत्वा च अनर्क पद प्राप्ति दिव्य अर्घम निर्वपामि इति चलेगा श्री जी का मार्जन करेंगे और पुजारी लोग बाहर जहाँ मंच लगा हुआ है श्री जी को एक श्री जी वहाँ विराजमान करवाएंगे और बाकी दो श्री जी संजय पंडित जी अंदर विराजमान करवाएंगे श्री जी विराजमान की क्रिया चलिए चलेगा प्रमुख इंद्र यहाँ पर आ जाएं गुरु आज्ञा के लिए प्रमुख इंद्र यहाँ पर आ जाएं सभी नाभिराय स्वधर्म कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सनत कुमार महेंद्र श्रेयांश सोम महामंडलेश्वर यज्ञ नायक विधि नायक यज्ञ नायक ध्वजारोहण करता मंडप उद्घाटन करता सभी पहुंचे हाँ एक एक श्रीफल ले लीजिएगा सभी लोग पुष्पेंद्र जी महाराज जी
अभी चढ़ाना नहीं है श्रीफल, अभी कुछ बोलेंगे उसके बाद चलो। अभी रुक जाएं, रुक जाएं, सब लोग पहले ले लो, शांति से खड़े हो जाएं। नत्वा मोहर निज करि रमतोपमेय स्वच्छ जिनेन तव चंद करावदाते शुद्धां शुकेन विमलेनितान्तरं मे देहि स्थितान् जलकणान् परिमार्जयामि। ओं ह्रीं अमृतांशुकेन जिनबिम्बं जिनियन्त्रं च परिमार्जनं करोमि। स्नानं विधाय भवतोऽष्टसहस्रनाम्नामुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धं जगुरुचुरिष्टिमनितैश्चतैं विधातुं सिंहासने विधिवदित्रनिवेशयामि। सभी लोग आ गए, चलेगा। दोनों हाथों में श्रीफल लीजिएगा, बीच में नीचे वाले भी खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को जोड़िएगा। सभी इंद्र इंद्राणी, हम सबका पावन यह सौभाग्य है कि पूज्यवर मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ससंग और पूज्यवर मुनिश्री निर्दोष सागर जी महाराज ससंग, चार मुनिराजों का और दो एलक जी, छह संत साधकों का सौभाग्य चरण सन्निधि हम सभी के लिए प्राप्त है। बड़े ही पुण्यशाली हम सभी लोग हैं निश्चितम तौर पर कि आज महाराज श्री के पावन 25वें दीक्षा महोत्सव के प्रसंग पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम उनका मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। आइएगा हम उस सौभाग्य को अपने जीवन का श्रृंगार बनाएं और उससे आने वाले जीवन काल में हम जिन परमात्मा की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, हमारे जीवन में भी वो आए, वह दिवस आए जब हम शुद्धत्व और सिद्धत्व को पा करके पावन सिद्ध शिला पर अपना स्थान ग्रहण कर सके। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ गुरु जी की आज्ञा लेते हैं, गुरु आशीष के साथ। ओम। एक मिनट। हाँ, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? चलिए हमारे साथ बोलेंगे, हे महाराज श्री, हम सभी लोग संपूर्ण समाज के साथ मिलकर के श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न करना चाहते हैं। हे महाराज श्री, हम सभी लोगों की प्रार्थना को, भावना को, समर्पण को आप अपने चरणों में स्थान दें और आपके श्री चरण हम सभी लोगों के लिए चरण सानिध्य के रूप में प्राप्त हो सकें, ऐसी मंगल प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप सभी का मंगल आशीर्वाद, मंगल सानिध्य, मंगल दिशा निर्देशन हम सभी के लिए प्राप्त हो। हे महाराज श्री, आप जैसे भी आज्ञा प्रदान करेंगे, हम सभी लोग आपकी उस आज्ञा का बालकवत पालन करेंगे। हे महाराज श्री, फिर भी हम सभी लोग अतिरिक्त बुद्धि वाले हैं, हाँ, अपना दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए हमारे अज्ञानकृत, आलस्यकृत, प्रमादकृत या अन्य किसी प्रकार से कोई भी दोष लग जाए, आपके श्री चरणों की अवज्ञा हो जाए, तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए आपके मंगल आशीष की चाह रखते हैं। होता के चंदन तंडुल पोष के चलसी दीप सुधूप पदार्थ के तवल मंगल गान रवा कुल चिन ग्रहे गुरु राज महाय जे। महा साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री निर्लोभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री निरुपम सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो जल फलादि अर्घम महार्घम निर्वपामीति। हे महाराज श्री नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। हे महाराज श्री इच्छामि 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 के भोले भाले गुरु से अरज इतनी, एक बार सर पे रख दो पीछे अपनी। भोले भाले गुरु से अरज इतनी, एक बार सर पे रख दो पीछे अपनी। बोलो जी सागर जी महाराज की। चलिए आप लोग पहले इधर आ जाओ, इसकी आवाज तो खोलो, आवाज तो है ही नहीं इनमें। हेलो, प्रेशर वेशर डालो, हाँ डेले। इधर आ जाओ सब लोग, इधर आ जाओ सामने। हमारे कमेटी के पदाधिकारी गण कहाँ हैं? हाँ, पहले इन सबको बिठाल दो।
हेलो कहाँ संचाल, हाँ बोल महेंद्र भैया बोलो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। चलिए एक मिनट बैठ जाओ। चलिए हाँ, मंच से सब लोग सामने से अलग हट जाएं। पूरी बावड़िया समाज की ओर से, पूरे भोपाल समाज की ओर से, सभी सुधी श्रावकों की ओर से आदरणीय भैया जी श्री अशोक भैया जी लिधौरा, सुमत भैया जी भोपाल और अविनाश भैया जी भोपाल और विनोद भैया जी आधारताल जबलपुर, इन सब के अच्छा ठीक एक को बोलो पहले ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के पावन चरणों में पूरी समाज की ओर से विनम्र प्रार्थना है। नाभी राय हे भैया जी, हमारा जो समाज के द्वारा पंचकल्याण आयोजित किया है मुनि श्री के आशीर्वाद से वह सानंद सफल हो, ऐसी हमारी भावना है। वो है नहीं ना अभी, बस बस ठीक हो गया, इसके ऊपर चलेगा। धन्यवाद आपका। हाँ अब आपने हमें कमान सौंप दी है, अब आपका काम फ्री है, चलेगा। अब हम आपके लिए बतला दें, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनको एक कोई देख लो, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे मंत्रोच्चारण प्रतिष्ठाएं संपन्न करने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होती है। जब आचार्य भगवान की आज्ञा से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे तब 7-8-9 प्रतिष्ठाचार्यों की पूरी टीम लेकर के जाते थे, क्योंकि इसमें इतने अनुष्ठान होते हैं, लेकिन आजकल 1-2-3 ले लेते हैं और मंच पर ही समय निकल जाता है। मंत्र अंदर हो रहा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पता नहीं चलता है। लेकिन बावड़िया में यहाँ पर एक थोड़ी बड़ी टीम रखी गई है ताकि आपकी सारी क्रियाएं सानंद संपन्न हो चुके। और हमारे दाऊ आर के जैन साहब, वो तो पिताजी के साथ रहे हैं गुलाबचंद जी के साथ में, तो उनको मालूम है कि बुंदेलखंड में किस ढंग से कितनी बड़ी टीम जाती है और कैसे अनुष्ठान वहां पर होते हैं। इसलिए चूंकि अब यहाँ पर नेमी नगर में तो बिना भैया थे तो मैं फ्री रहता था क्रियाएं करने के लिए, वो अपने माइक पर बैठे रहते थे, सब अपना काम करते रहते थे, लेकिन मुझे यहाँ भी संभालना पड़ेगा तो अंदर भी देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ इन सारे कार्यक्रमों को संपन्न करवाने के लिए एक टीम यहाँ पर है और आपके जाने पहचाना आपका चेहरा है अविनाश भैया का, जो 40-45 खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ नहीं तो कपड़े खराब, 40-45 वर्षों से वो यहाँ पर भोपाल में निवास हैं और सब आप उनका चेहरा जानते हैं, वो आपका चेहरा जानते हैं। और हमने इनको प्रतिष्ठाचार्य के तौर पर तो रखा ही है, साथ में अर्थव्यवस्था का विभाग भी इनको ही सौंपा है कि वो चेहरा जानते हैं, अगर वो अपनी तरफ से भी किसी की बोली लगा देंगे तो कोई बुरा मानने वाला। और वैसे आपको अर्थ की अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं तो आपसे कहता हूं इस पंचकल्याणक में अर्थ जितना होना था हो चुका, अब आप 5 दिन सिर्फ परमार्थ की ओर अपनी यात्रा करें ताकि आप भी सिद्धत्व की कोटि में अपने आप को स्थापित कर सकें। हमारे बीच यहां पर सुमत भैया जी, हाँ आपके ही भोपाल के हैं लेकिन उनको 8:30 से 9 के बीच सिग्नेचर करने जाना पड़ता है तो वो आज्ञा लेकर के चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच ब्रह्मचारी विनोद भैया जी आधारताल जबलपुर से हैं, बहुत ही मधुर स्वर के माध्यम से आपने इनको सुना होगा, इनके भजन सुने होंगे और आज वो भी यहाँ पर हैं, उनके बड़े भैया यहाँ रहते हैं, इसके बहाने उनका भी सान्निध्य आप सब लोगों के लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। संजय भैया शास्त्री टीकमगढ़, पंडित संजय जी शास्त्री टीकमगढ़ से, जो पिताजी के साथ भी गुलाबचंद जी पुष्प के साथ भी जाते रहे और हम कहीं भी जाते हैं क्योंकि मंत्र की क्रिया अनुष्ठान के लिए जवाबदेह कंधे हमें चाहिए पड़ते हैं, जो जिम्मेदारी से सारे व्यामोह छोड़कर के, सारा लोभ छोड़कर के सिर्फ मंत्र के लिए अपना काम कर सकें।
तो पंडित संजय कहाँ है, अंदर है क्या संजय? चलेगा। अभिषेक शास्त्री लिधौरा, हाँ शीघ्रता से आ जाए। अभिषेक शास्त्री लिधौरा, हाँ ये छह प्रतिष्ठाचार्य। हाँ सबको मिलेगा ये सर। हमारा एक ये भी सौभाग्य है कि बालचंद जी शास्त्री, हाँ वो हमारे साथ प्रतिष्ठा के तौर पर भी रहेंगे। और ये आपके लिए बतला दें, हाँ पूज्यवर मुनिश्री, हाँ पूज्यवर मुनिश्री अजित सागर जी महाराज जी के गृहस्थ लघु भ्राता हैं और प्रतिष्ठाचार्य के तौर पर हमारी प्रतिष्ठाचार्य की टीम में यहाँ पर वो रहेंगे। तो एक बार उनका भी तिलक लगा करके आप सम्मान करेंगे जोरदार कर्तव्य ध्वनि से सभी के लिए। हमारे बीच यहाँ पर पूज्यवर मुनिश्री अजित सागर जी महाराज जी के संगस्थ रविंद्र भैया और भी भैया लोग यहाँ पर रहेंगे, तो आप उनको भी श्रीफल दे दीजिएगा। साथ में पूज्यवर मुनिश्री निर्दोष सागर जी महाराज जी के संघ में साधना कर रहे हमारे तीनों भैया लोग। वो तीनों भैया लोग भी यहाँ पर रहेंगे और नागपुर से 10 प्रतिमाएं, हाँ 10 प्रतिमा को व्रतों की जो साधना कर रहे हैं हाँ ब्रह्मचारी पटेल भैया जी, तो उनके लिए भी एक श्रीफल दे दीजिएगा। संतोष जी दानपति जी भी हम सबके बीच में हैं, ब्रह्मचारी संतोष भैया दानपति जी आप आगे आओ ना, उधर बैठो, भैया लोगों के लिए हमने मंच ये बनाया है, उधर मंच के सामने आ जाए। तो हाँ संतोष जी दानपति वो भी हमारे बीच यहाँ पर रहेंगे और साथ में सची इंद्राणी और कुबेर इंद्राणी श्रीफल लेकर के हमारी दीदी लोगों को जो मंच पर बराजे थे उनको श्रीफल देकर के आ जाएं, आमंत्रण दीजिएगा उनको भी। पुजारी जी श्रीफल दे दें उनको। अच्छा 16 में क्या, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ कार्यकर्ता भी करो, किसको देना है? अच्छा तीन तीन पूरे विभाग तो वहीं होंगे भैया, हमने पंपलेट उठा के देख लो, एक पंपलेट में चार चार जगह तो एक एक जन की फोटो छपी, तो इसका मतलब विभाग तुम्हें के पास है सब। अच्छा हट गए, चले चले पहुंचेंगे। शिकिता के साथ में सची इंद्राणी और कुबेर इंद्राणी दीदी जी लोगों के लिए श्रीफल देकर के आएंगे, पहुंचे वहां पर एक एक श्रीफल सभी दीदियों के लिए दीजिएगा। अब बाकी सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, इसमें एक बहुत बड़ी टीम है और ये सबको अवसर दिया जाएगा, हमारे जितने भी संयोजक हैं कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये पहले दिन हम थोड़ा सा कम करते हैं उसको, बीच में आपके लिए भी अवसर आएंगे। चला श्रीफल चलो चलेगा, बाकी सभी लोग बैठ जाएं। इसके अलावा हमारी पुजारियों की टीम है, संगीतकार की टीम है, नाटक कलाकारों की टीम है, इस पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए जिनवाणी चैनल की टीम है, और साथ में हमारे इस बड़े स्क्रीन पर पूरा का पूरा कार्यक्रम दिखाने के लिए भी अंशुल टीकमगढ़ उनकी पूरी की पूरी टीम है, ये सब आपकी सेवा में इस कार्यक्रम को। हाँ अंकित मित्रा पुण्योदय से हमारे बीच ये सारे के सारे आपके साथी हैं और ये आपके कार्यक्रम को चार चांद लगा करके देश और दुनिया में बावड़िया कला में होने वाले इस पंच कल्याण की दृश्यों को वहां तक पहुंचाएंगे। आप कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा बनने की इस यात्रा में आप अपने आप को कितना सम्मिलित करना चाह रहे हैं, तो वो सारा का सारा सौभाग्य इन सब साथियों के हाथों में है। और गंज बासोदा के बच्चों के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पहले तो और छोटे छोटे, अब थोड़े थोड़े और बड़े बड़े हो गए हैं, 20-20, 25-25 इंच ये सब बढ़ गए हैं, और ये सब महाराज जी के चरणों के समर्पित बच्चे हैं। ये सभी बच्चे अपना दिव्य घोष लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इन सभी बच्चों का भी स्वागत करिएगा। और हाँ यहीं आ जाओ, नीचे आ जाओ, बच्चे से यहाँ से श्रीपद समर्पित कर लो। और अब इसके बाद हम यहाँ बाबड़िया कला वाले महिला मंडल कहाँ है, द्रव्य आचार्य की पूजन की द्रव्य दर्शकों आप अभी देख रहे थे मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी भोपाल के बावड़िया कला स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री मंचनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज ससन के पावन सानिध्य में
27 अप्रैल से 3 मई 2023 तक चलने वाले इस महामहोत्सव में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा।